हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं वायरलेस कीबोर्ड और माउस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आपको बता दें कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा हूं। तो बिना वक्त ज़ाय किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर है वायरलेस कीबोर्ड और माउस। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और सच बोलूं तो इससे ज़्यादा अच्छी पैकिंग अमेज़ॉन वालों की थी। खैर, पैकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने जो ऑर्डर किया है वो सही होना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि मैंने जब अमेज़ॉन से ऑर्डर किया तब उन्होंने डिलीवर किया तो मैंने देखा कि माउस का है ही नहीं डब्बा। फिर मैं रिटर्न कर दिया ये सोच के कि पेमेंट का थोड़ा सा इशू हो जाएगा, 3-4 दिन लग ही जाता है पेमेंट के लिए। तो उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो देखा कि ये जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस है ये पहले से कई लोग लिए हुए थे और फोटो भी अपलोड किए हुए थे। तब जाके देखा कि कीबोर्ड के अंदर ही साइड से माउस डाला हुआ है। तब समझ आया कि कॉम्बो में वायरलेस कीबोर्ड और माउस का जो कॉम्बो है तो वो एक साथ मिलता है। उसके बाद मैंने फिर फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर कर दिया। खैर, बातें बहुत हो गई, अब हम अनबॉक्सिंग पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, वायरलेस कीबोर्ड और माउस का प्राइस इंक्लूडेड है। इसका प्राइस 1319 रुपीस है। चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे देखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, और यहाँ पे बैक साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लग एंड प्ले रिलायबल वायरलेस, और यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज है जो कि मुझे समझ नहीं आने वाली। और इसको हम यहां से खोलते हैं और ये है क्विक स्टार्ट गाइड, वायरलेस कीबोर्ड और माउस को कैसी यूज करना है यहां पर देख के समझ सकते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है डेल KM117 जो कि कीबोर्ड का मॉडल है। और दोस्तों, इस पेपर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत होगी। ये देखिए कितना बड़ा पेपर है, बैनर बन जाएगा नहीं। चलिए इसे फोल्ड करके साइड कर देते हैं। और यहां पे है माउस, देखिए माउस की शाइनिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए डेल लिखा हुआ है, चलिए रख देते हैं इसे अब। और देखते हैं ये है कनेक्टर, इसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं। और ये है बैटरी, मोटा वाला जो है वो माउस में लगेगा और बाकी जो पतला वाला है वो कीबोर्ड में लगेगा। चलिए अब हम माउस में लगाते हैं बैटरी को। ये रहा बैटरी और इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसे हम बंद कर देते हैं। ये हो गया, इसे ऑन किया, देखिए ऑन हो गया। और ये रहा कीबोर्ड, लुकवाइज काफी अच्छी है। इसे हम टाइप करके देखते हैं, ये देखिए। और इसके बैक पैनल पे देखिए, आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ये दोनों कीबोर्ड के लेग हैं। आप इसको टेबल पे रख के थोड़े से ऊंचाई पे और टाइप कर सकते हैं, आसानी होगी टाइप करने में। और ये है बैटरी का, यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करते हैं, एक लग गया, अब दूसरा लगाते हैं, लग गया, अब इससे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक लाइट लगी हुई है, आई होप कि आपको दिख रही हो, एकदम छोटी सी है, ये जब बैटरी डाउन होता है तब शो होता है। और ये रहा मेरा लैपटॉप और इसे ऑन करते हैं और इस कनेक्टर को हम लगा देते हैं USB पोर्ट में। ये लग गया, अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैं माउस से ये रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे नोटपैड पहले खोल लेते हैं, यहाँ खुल गया नोटपैड। अब देखिए मैं टाइप करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा है। तो ये कनेक्ट हो जाता है कनेक्टर को सिस्टम में लगाते ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें यह शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।